किसानों ने निजी नलकूपों पर मीटर लगाने का विरोध प्रदर्शन किया। बुलंदशहर के ऊंचागांव क्षेत्र में स्थित विद्युत उपकेंद्र दौलतपुर कला पर निजी नलकूपों पर लगाए गए मीटरों का विरोध प्रदर्शन किया, जो जगवीर सिंह भाटी के नेतृत्व में क्षेत्र के किसानों ने अपने निजी नलकूपों पर मीटर लगाए गए उतार दिए और जमा कर दिए कि सरकार की मन तानाशाही नहीं चलेगी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे हमको जेल भी जाना पड़े। समर इंडिया के लिए धर्मवीर सिंह निगम की रिपोर्ट। राजेंद्र जी, कहाँ से रहने वाले हैं आप? फरीदाबाद। आप आज यहाँ बिजली घर पे आए हैं, क्या मामला? किसानों की बहुत बड़ी समस्या है, पहले ही बिल दुगने कर दिए हैं, उसके बाद भी किसानों की ट्यूबवेलों पर मीटर लगा दिए गए हैं, जिससे किसान आहत हुए हैं और आहत होकर के एकत्रित होकर के किसान जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। और यदि जय साहब ने मीटर जमा नहीं करे, हमने SDM साहब को बहुत दिन पहले ज्ञापन दे दिया है, उसके अनुसार ही हम अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। जय साहब को हमारे क्यों उठा रहे हैं मीटर? क्या समस्या है मीटर? सरकार कह रही है बढ़िया है, कम बिल आएगा छोटे किसानों को। एक तो सरकार के पास कोई जियो नहीं है। दूसरी चीज़, सरकार ने चुनाव से पहले ये वादे किए थे कि हम किसानों को बिल आधा कर देंगे, इससे 19 दिन में एक किसान का जो बिल आया, मीटर यूनिट जो आई हैं 19 दिन में 3400 यूनिट आई हैं। अब 2 रुपया यूनिट भी लगाओगे तो 8000 के समथिंग पहुंचेगा, प्लस 600 रुपये मीटर चार्ज हो जाएगा, तो किसान का बिल 10000 के समथिंग पहुंच जाएगा। इसमें से यदि ये आधा भी करते हैं तो 5000 रुपये तो देना पड़ेगा। पहले कितना दे रहे थे? पहले 1500 कुछ रुपये थे। बढ़ रहा है मीटर के बाद? मीटर के हिसाब से तो 5 गुना पड़ रहा है, आधा नहीं, 5500 उड़ा है एक महीने का भी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जगवीर सिंह भाटी है, मैं किसान सभा का जिला सेक्रेटरी हूँ। आज आप दौलतपुर विद्युत केंद्र पर यहाँ मौजूद हैं अपने किसान यूनियन के साथ, क्या मामला है यहाँ पर? मामला ये है कि ये सरकार ने और जो विभाग है बिजली विभाग, उन्होंने किसानों की ट्यूबवेलों पर लगा दिए मीटर। इन मीटरों के बारे में ना तो किसी को अवगत कराया गया, ना किसी से राय मशवरा किया गया, ना कोई हमारा ऐसा अनुबंध इस विभाग के साथ के मीटर किसानों की ट्यूबवेलों पर लगेंगे। इसके बाद भी इन्होंने अपने आप अपनी मनमर्जी से बिना किसानों से राय मशवरा किए मीटर लगा दिए। और मीटर लगाने का मतलब ये होता है कि किसान जब बिजली का भुगतान फ्लैट रेट पर ही नहीं कर पाता, 600 रुपया उस पर टाइम पे नहीं गया, फिर इन्होंने बढ़ा के 1500, 1600, 1700 कर दिया। उसके बाद इन्होंने घोषणा कर दी हम आधा बिल करेंगे, आधा बिल के साथ साथ इन्होंने मीटर ठोकना शुरू कर दिया, जबकि चुनाव में इन्होंने वादा किया था सरकार ने कि किसानों की ट्यूबवेल के लिए बिजली फ्री दी जाएगी और घरेलू उपभोक्ता के लिए 300 यूनिट तक फ्री किया जाएगा। तो इस वजह से इन्होंने यानी कि दूसरी चालाकी बरतते हुए सरकार ने तमाम किसानों के मीटर लगा दिए। मीटर से किसान जो बिजली को चलाता है उसका इतना अनाप शनाप बिल आता है कि उसको देने की क्षमता में किसान नहीं है। वो पहले बिल में और अब के जो बिल आ रहे हैं उसमें कितना अंतर है? कई कई गुने का अंतर है, यानी ये कह रहे हैं 840 आधा बिल और जो आता है 3000, 3500, 3500 तक के भी आए जी। 4500, 5000 यानी कि जो बिल आता है 7000 या 6000 उसका आधा, 5-7 घंटा उसका आधा करते हैं, आधा हम बिल ले रहे हैं। लेकिन जब ये 8-7, 4-6 घंटे में ही इतना बिल आ रहा है और जब ज़्यादा ट्यूबवेल बिजली 10 घंटे बिजली चलाएगा किसान, तो किसान को 10-10 हज़ार रुपये भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए किसान मीटर से खेती नहीं कर सकता, ये हमारा स्पष्ट कहना है, हमारी किसान सभा का बिल्कुल साफ कहना है, किसान मीटर से खेती नहीं कर पाएगा। क्या मांग करते हैं आप? मांग हमारी ये है कि किसानों को सस्ती बिजली दी जाए, फ्लैट रेट पर बिजली दी जाए। दूसरी मांग हमारी ये है, जब इन्होंने चुनाव में वादा किया था कि हम किसानों को मुफ्त में बिजली देंगे, फ्री में ट्यूबवेल चलवाएंगे, तो इन्होंने ऊपर से इस तरह का हमारे साथ षड्यंत्र क्यों रचा? और हमारी ये भी डिमांड है कि 300 यूनिट तक बिजली फ्री की। सर, आप किसान यूनियन या किस कार्यक्रम से हैं आप यहाँ बिजली घर पर आए, क्या मामला? मैं किसान यूनियन ब्लॉक अध्यक्ष राजीव सिंह चौहान दिखलाऊँ और ये मीटर भरवाने का हमने 10 दिन पहले ज्ञापन दिया SDM मैडम,
लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। हमने साफ कह दिया उसमें लिखित रूप में है कि यदि हमारे साथ में मीटर उखड़वाने की कोई कार्रवाई ये विभाग वाले नहीं करते हैं तो किसान हम मजबूर होंगे और मजबूर होकर अपने आप मीटर उखाड़ के जमा करेंगे। जबकि सरकार ने वादे करे थे कि फ्री बिजली दी जाएगी किसानों को, लेकिन आज उसका हो गया उल्टा। किसानों के ट्यूबवेलों पे मीटर थोपे जा रहे हैं, 5,000-6,000 रुपये बिल के मतलब थोपे जा रहे हैं। अब फ्री में चलो उन्होंने आधे कर दिए, हम तो आधे पर सहमत है, लेकिन उन्होंने ऐसा भी नहीं करा। हम तो मतलब दूने किसान मैं मीटरों की मतलब कहाँ से बिल दे देगा किसान बताए। तो कितने मीटर उखाड़े हैं आप लोग? मीटर आज कितने उखड़ गए भाई आपके हाथ? 55 मीटर। अभी यहाँ किसको ज्ञापन सौंपेंगे? कितने समय तक चलेगा धरना? धरना हमारा कुछ नहीं, धरना हमारे जे साहब आ गए हैं, हम उन्हें सौंप के मतलब यहाँ से चलेंगे। भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात, अब होगी नई उम्मीद के साथ बदलते नए भारत की सोच। समर इंडिया।